डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं अपने मजदूर भाइयों से अनुशासन की बात करती हूँ, तो साथ ही साथ जो हमारे उद्योगपति हैं या हमारे उद्योग हैं, कारोबार चलाने वाले हैं, उनसे भी कुछ अनुरोध करना होता है। अगर वह चाहते हैं कि यह अनुशासन हो, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। बड़े बड़े लाभ, ऊंचे ऊंचे वेतन अगर बढ़ाते जाएंगे, तो यह अनुशासन रखना फिर सरल नहीं रहता है। उनकी जिम्मेदारी है, वे भी इन मामलों पर विचार करें और मिलजुल कर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है, वह यदि हट न सके तो कम से कम उसको कम कर सके। अगर देश को बचाना है तो ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें हम निजी लाभ की बात न सोचें, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़ सकता है उसमें और थोड़ा सा त्याग करना हो, लाभ कम करना हो, या उस लाभ की बजाय अपने लिए रखने के बजाय किस तरह से देश के कामों में हम डाल सकते हैं, ये सब हमको सोचना है। अगर ये जिम्मेदारी सब वर्गों की तरफ से आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि अनुशासन भी बढ़ेगा और हम अपने मजदूरों की, प्रबंधकों की और अन्य लोगों की जो हमारे कारखानों में काम करते हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन इन सब में प्रत्येक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक को सोचना है कि उसके करने से दूसरे पर क्या असर पड़ सकता है। हमें कोई एक गुट कहे कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारी मदद करो, लेकिन हम दूसरे वर्ग की मदद नहीं करेंगे तो यह कितनी भी अच्छी बात हो, यह करना संभव नहीं है। खासतौर से हमारे जैसे देश में जहां इतनी भयानक गरीबी है और जहां राष्ट्रहित के लिए और न्याय के दृष्टिकोण से भी इस अंतर को कम करना है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों और इंजीनियरों और दूसरों की बेरोजगारी का प्रश्न है और उस तरफ भी हमारा ध्यान है। छोटे मोटे कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी मुख्य बात भी यही है कि किस तरह से पैदावार बढ़े, किस तरह से और कारखाने बढ़ें जिसमें कि और नौकरियां आएं और सबकी कठिनाइयां दूर हों। लेकिन उनसे भी प्रार्थना करूंगी और वह यह है कि केवल सरकारी नौकरियों के पीछे
न लगे रहें बल्कि अपने लिए नए मौके ढूंढने की कोशिश करें, तभी समस्या दूर होगी। स्टॉप।